टाइम इज 1:49 PM। फ्रंट में बहुत ही तगड़ी बारिश, बारिश में गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है, राइट? क्या कहते हो? क्लाउड्स तो हैं लेकिन उतनी बारिश होगी नहीं मुझे जहां तक लग रहा है। मॉर्निंग करीबन 6:15 बजे उठने के बाद मैं सो गया दोबारा। आज मॉर्निंग में काम नहीं था, आई वॉज लिटिल लेजी। और लेकिन हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं मीरठ। मीरठ में एक मैटरनिटी शूट है, आउटडोर पार्क में शूट है। वहाँ पे कोई गार्डन बाग है, कंपनी गार्डन बाग है सब। तो वहाँ हम जा रहे हैं शूट करने, आउटडोर शूट करेंगे। एक इंटरनेशनल गाउन हमारे तरफ से है, मेकअप मैडम ने लिया है तो मेकअप भी हम करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट अभी लंच कर रही हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा लंच यहाँ भी रखा हुआ है, ठीक है ना? अब हम लोग ड्राइव भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, बारिश का भी आनंद लेंगे, सब कुछ करेंगे एक साथ में। हितेश पहुँचा हुआ है अक्षरधाम मंदिर के मेट्रो स्टेशन के बाहर, वहाँ से मुझे उसको पिक करना है। बारिश हो रही है अच्छी खासी, फ्रंट का व्यू कुछ ऐसा है, ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं। हाय गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं मीरठ। मीरठ में हम लोग पहुँचे हैं गांधी बाग, छावनी परिषद में हैं। गाड़ी हम लोग यहाँ पार्क है, मिस्टर हितेश अपने किट निकाल रहे हैं। दिस इज़ द गेट जो फ़िलहाल बंद है, ये बिगर गेट है एक्चुअली, एक छोटा सा पार्किंग है। और ये स्कूटर पार्किंग, ये गेट, एंट्री गेट, इसमें मेरे ख्याल से टिकट लगती है एंट्री होने के लिए ना। तो हम लोग देखते हैं कितने रुपए का टिकट है। क्लाइंट ने पहले से परमिशन लिया हुआ है यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए ना, शूट यहीं पे हम प्लान कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है। इस पार्क के अंदर एक छोटा सा कैंटीन है, बहुत ही छोटा सा कैंटीन है। यहाँ पे ये म्यूज़िकल फाउंटेन है। ये म्यूज़िकल फाउंटेन जो है मेरे ख्याल से शाम को चलता होगा। आज हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे ये चलता है कि नहीं चलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, किसके ऑब्जर्वेशन में है नहीं पता। बेसिकली मेरे ख्याल से ये जो है ना कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है ये पार्क, ठीक है। इट्स अ गुड पार्क, मेंटेन्ड भी है थोड़ा बहुत, और ये तो अच्छा खासा साफ है। यहाँ पीछे एक नर्सरी बनाया हुआ है, वेरी नाइस। सीसीटीवी लगे हुए हैं इस पार्क में। यहाँ एक अच्छा सा गेट, ओह वेरी गुड, चलो बढ़िया है। उचित दूरी बनाए रखें, कहाँ उचित दूरी बनाए रखें, यहाँ तो किसी के फेस में मास्क ही नहीं है, उचित दूरी कहाँ से बना देंगे। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। आवर टीम इज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर। ये पीछे पूरा कैंट एरिया है, वेरी गुड, अच्छा लोकेशन है ना ये। हाँ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया स्नेक प्लांट है और मेरे घर में कोई टिकता ही नहीं है स्नेक प्लांट। यहाँ तो मुझे लगता है यहीं से एक खरीद के ले जाते हैं एक दो टब, है ना? चलो बढ़िया है। सो मिस्टर हितेश, आर यू यूजिंग योर न्यू बेबी और व्हाट? नो, ओल्ड बेबी, न्यू बेबी का भी होगा ना, टीजर आउट होगा तब। अच्छा, न्यू बेबी का टीजर आउट होगा पहले, उसके बाद। बहुत बढ़िया। ये क्या आइटम है, बहुत पुराना लग रहा है तो मुझे। ओह 1885, कुछ तो है ये, कुछ तो है। रिमूव फ्रॉम, फिर कुछ पता नहीं क्या उड़ गया, वो क्या हो गया इसका। द ड्यूक ऑफ कॉनर्ट एंड
चैथर्न बाई लाल किशन सहाय, रेज ऑफ मेरठ, वाटरफॉल और कुछ है ऐसा, ठीक है। सर्वेक्षण, पीछे टॉयलेट्स, यहाँ टॉयलेट्स है। काफ़ी बड़ा है ये। रिमूव्ड फ्रॉम दिल्ली फोर्ट, दिल्ली फोर्ट से ये रिमूव्ड हुआ था और उसके बाद ये दोबारा री इरेक्टेड हुआ है। ओह वेरी गुड, सही है। ये पीछे ग्राउंड, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। दिस इज ग्राउंड, ठीक है, अच्छा पार्क है, इट्स अ नाइस पार्क। कितना रेस्ट्रिक्शन है ये नहीं पता, लेकिन मेरठ में ये एक अच्छा पार्क है। क्लाइंट ने मेरे ख्याल से खुद ही बातचीत करी होगी शूट के लिए ना, परमिशन लिया होगा। कौन सा बोर्ड? परमिशन वाला? नहीं, परमिशन वाला बोर्ड नहीं दिखा, लेकिन ये ना कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। कर सकते हैं? ऐसा लगता है परमिशन लिखा हुआ है। हाँ, दिस इज अ पब्लिक पार्क। हाँ, इंडल्जिंग एक्टिविटीज। हाँ, तो इंडिसेंट तो नहीं है ये एक्टिविटीज हमारा। ठीक है गाइज, शूट शुरू करते हैं। अभी तो शूट कहाँ, अभी तो पहले ड्रेस चेंज होगा, फिर मेकअप, फिर शूट शुरू। शूट शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ये भी दिखा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। तो इस पार्क में एक छोटा सा जगह है जहाँ पे ये बत्तख और इनकी पीछे फार्मिंग हो रही है। दिस इज़ फार्मिंग एरिया एंड यहाँ पे ये लोग शावर एंजॉय कर रहे हैं अपने। वेरी नाइस, यहाँ बूमरैंग चल रहा है। मैम लेग्स को ना इक्वल रखना है आपको, जस्ट लाइक दिस। कम इट रेडी, कम स्माइल एंड शो, रेडी, 1 2 3 गो। ओके वेट, जैसे हम करेंगे और एक बार सही से मिश कर दें। एक बार भैया अपने वाले पोज कर लें, हां जी हां जी, चेक करके हमारे लगा वो शूट रखते हैं इसके लिए। यहाँ पे सर जो है ना बैलून फुला रहे हैं खुद ही। वेरी गुड, बैलून के जो लेटर्स के जो साइज़ हैं वो थोड़े से छोटे हैं मगर अच्छे लग रहे हैं। नाइस एफर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ एक दूसरी टीम काम कर रही है आज मैटरनिटी शूट में ना, यहाँ पे इस जगह। और यहाँ पे हमने सामान रखा होगा कुछ, यहाँ से हम एंटर हुए थे। और ये पाथ जो है इस तरफ जा रही है, एक पाथ इधर एक पाथ इस तरफ। यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड का क्रिकेट ग्राउंड है। ओके नाइस, पीछे जो है रेज आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना दिख रहा होगा। ऊपर से यहाँ पीछे धुआं हुआ है कुछ, धुआं के चलते जो है ना रेज और निकल के दिख रहा है कुछ यहाँ इस जगह पे। बहुत ही गजब रेज यहाँ, ठक ठक, वेरी गुड। ये छोटा सा रोज़ गार्डन का पैच बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, लश ग्रीन है। वाओ नाइस शॉट। व्यूअर्स, आप लोगों को ये पीछे रेज दिख रहे हैं, बहुत तगड़ा शॉट आया है रेज के साथ, बहुत ही तगड़ा शॉट। ये रिव्यू टाइम चल रहा है। सो गाइस, शूट अभी भी इज गोइंग ऑन। ओके, 5:55 टाइम हो रहा है, करीबन 4:30 बजे शूट शुरू हुआ था। जनरली जो शूट हम लोग कर रहे हैं आज, वो शूट समवेयर अराउंड 90 मिनट्स लगना चाहिए मुझे। हितेश भी 90 मिनट्स में ही करता है शूट, बट आई डोंट नो आज इतना टाइम क्यों लगा।
इस पार्क में घूमने के लिए थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस है, ज़्यादा जगह है नहीं घूमने के लिए, लेकिन टाइम तो लगा नो डाउट। तो इस पार्क का व्यू कुछ ऐसा है, सी दिस पार्क, ये भी पार्क। बेसिकली क्लाइंट के पास बहुत सारे पोजेस थे आज, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग क्लाइंट के पोजेस करते हैं, ऐसा नहीं है। लाइट थोड़ी सी अचानक से डिम हो गई है बिकॉज ऊपर जो है ना ब्लैक क्लाउड्स आ गए। मिस्टर अमित आते हुए, यहाँ पे बहुत सारे लव बर्ड्स भी हैं, मुझे दिख तो रहे हैं हर एक बेंचेस पे। ये जो छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है ना इन्होंने, काफ़ी अट्रैक्टिव है। हमारे से पहले इस ब्रिज के पास और यहाँ एक कपल का शूट चल रहा था, मैटरनिटी शूट। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, यहाँ शूट हो रहा है हमारा। अच्छा गाइज, मैं और एक बात बता दूँ, यहाँ पे 20 रुपीज़ एंट्री चार्जेस हैं इस पार्क में एंटर करने के, 20 रुपीज़। क्लाइंट से फ़ोटोशूट के लिए 600 रुपये चार्ज किया गया है, उसकी रिसीप्ट नहीं मिली है, वो 600 रुपये अंडर द टेबल जेब में। तो मीरठ कपल्स, अगर आपको यहाँ पे शूट करना है, 600 रुपये एक्स्ट्रा दे के आप यहाँ पे इजीली शूट कर सकते हैं। हाँ, जो वॉशरूम है वो कुछ आपके घर जैसा नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ ओके, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, मिलते हैं दोबारा। तो अब हम लोग जो है ना अभी भी इस बाग में है मेरठ में, और सेल आउट पिक्चर्स ले रहे हैं। मैम थोड़ा चेन अप रखिए, चेन अप, स्माइल। ड्रॉपलेट्स तो बहुत ही खतरनाक आ रहे हैं भाई बारिश वाले। डन, ओके डन।